गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो अभी तक हमने अपने इंग्लिश की क्लास में कर्सिव लेटर में कहां तक सीखा है? टी, टी फॉर टाइगर, ए टू टी। अभी तक हम ए टू टी सीख चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेटर है हमारा यू। यू हम कैपिटल में कैसे लिखते हैं? एस, है ना। और स्मॉल में सेम ऐसे ही लिखते हैं, बट ओनली मिडिल लाइन में। अब हमें लिखना है कर्सिव लेटर में यू। तो कर्सिव में हम कैसे लिखेंगे? पहले कर्व बनाएंगे, इसी लाइन पे आएंगे नीचे और इसकी निकालेंगे टेल। ये हमारा कर्सिव का यू। कैसे लिखना है देखो, ओनली मिडिल लाइन में लिखना है। टू डॉट आपको मम्मा बना के देंगे। कर्सिव में लिखते वक्त आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कर्सिव लेटर लिखते वक्त हमें हाथ नहीं उठाना होता, है ना। सिंगल फ्लो में हमें अपना लेटर कंप्लीट करना होता है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? कर्व बनाते हैं। देखो, ये मैंने पहले कर्व बनाया, ठीक है। फिर इसी लाइन पे जो हमने कर्व बनाया है, इसी लाइन पे वापस बैक आते हुए सिंपल सा यू बनाना है, ऐसे, है ना। अब इसी लाइन पे वापस लाते हुए इसकी निकालनी है हमें टेल, ओके। लाइन को टच करके बनाना है, सेकेंड लाइन को, थर्ड लाइन को, लाइन से आउट नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? कर्व बनाना है, इसी लाइन पे वापस आते हुए यू बनाना है, फिर वापस इसी लाइन पे नीचे आएंगे और इसके निकाल देंगे हम टेल। क्या लिखा है ये हमने? यू। देखो वापस से, सबसे पहले हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। जहां पे कर्व खत्म हो रहा है वहीं पे वापस उसी लाइन पे ही नीचे लाते हुए यू बनाएंगे और फिर से उसी लाइन पे लाते हुए इसकी हम निकाल देंगे टेल। क्या है ये? यू। अब कई बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करेंगे, इसको यू लिखेंगे, है ना। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। आपको जो मेथड मैंने बताया है, आपको जो कर्व बनाना है, कर्व की लाइन पे ही वापस नीचे आना है ना। और जब वो लाइन एंड होने वाली होगी तभी हमें यू टर्न लेना है। कैसे? पहले कर्व बनाना है, इसी लाइन पे नीचे तक आके हमें यू बनाना है, वापस इसी लाइन पे आके हमें इसी टेल निकालनी है। क्या है ये? यू। कर्व बनाएंगे, इसी लाइन पे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे और इसकी निकालेंगे हम टेल। यू। सबसे पहले कर्व बनाएंगे, इसी लाइन पे नीचे आएंगे, सिंपल सा यू बनाना है, यू पे वापस नीचे आते हुए इसकी निकालनी है हमें टेल। यू। ये हमें कौन सी लाइन में लिखना है? ओनली मिडिल लाइन में। मिडिल लाइन से आउट नहीं करना है। कर्व बनाएंगे, इसी लाइन पे नीचे आते हुए यू बनाना है सिंपल सा और एंड लास्ट इसकी निकालनी है हमें टेल। यू। कर्व बनाएंगे, यू बनाएंगे, इसी लाइन पे नीचे आएंगे और इसकी निकालेंगे टेल। यू। कर्व बनाएंगे, इसी लाइन पे नीचे आते हुए यू बनाएंगे और इसकी निकाल देंगे हम टेल। क्या लिखा है ये भी हमने? यू। सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें कर्व बनाना है, फिर हमें सिंपल सा यू बनाना है, इसी लाइन पे लाते हुए नीचे इसकी निकाल देनी है टेल। क्या लिखा है ये हमने? यू। नेक्स्ट लेटर है हमारा वी। वी हम कैपिटल में
ऐसे, ये लिखते हैं हम कैपिटल लेटर का वी, और स्मॉल का सेम ऐसे ही बट ओनली मिडिल लाइन में, है ना। अब हमें लिखना है कर्सिव का, तो कर्सिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व बनाया हमने, ठीक है, फिर वहां से सेम ऐसा सिंपल सा वी ऐसे, और इसके लास्ट में यहीं से हम निकालेंगे इसकी टेल। तो ये क्या लिखा है हमने, वी, टू डॉट लगेंगे इसमें भी मिडिल लाइन में। सबसे पहले हमें कर्व बनाना है, फिर सिंपल वी, और इसकी निकालनी है हमें टेल। क्या लिखा है ये हमने, वी, यू वी, कर्व बनाएंगे, सिंपल वी बनाना है लाइन को टच करके, और इसकी निकालनी है हमें टेल। कर्व बनाएंगे, सिंपल वी बनाएंगे, और इसकी ऊपर से ही घुमा के निकाल देंगे हम टेल। टेल के लिए आपको क्या करना है, ये जो घुमा के टेल निकालोगे, ये इस सेकंड लाइन को टेल टच होनी चाहिए, है ना। कर्व बनाएंगे, वी बनाएंगे, और इसकी निकाल देंगे हम टेल। क्या लिखा है ये हमने, वी, कर्व बनाएंगे, सिंपल सा वी बनाएंगे, और इसकी निकाल देंगे हम टेल। क्या किया है ये हमने, क्या लिखा है, वी, कर्व बनाना है हमें, सिंपल सा वी बनाना है, और इसकी निकालनी है टेल, वी, कर्व बनाना है, सिंपल वी बनाना है, और वहीं से ही सेकेंड लाइन को टच करते हुए ही इसकी टेल निकालनी है। कर्व बनाएंगे, वी बनाएंगे, और इसकी निकालेंगे हम टेल। कर्व बनाएंगे, सिंपल वी बनाएंगे, और इसकी निकालेंगे टेल। तो अभी हमने ये क्या सीखा है, यू एंड वी। अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ ए टू वी। अभी तक आपका ए टू वी हो चुका है ना, अब मैं आपको ए टू वी करवाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखना, ताकि आपको किसी भी लेटर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए टू वी। तो अब हम करेंगे ए टू वी, देखो कैसे, कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, सी बनाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, और इसकी निकालेंगे हम टेल, ए, कर्व बनाएंगे, पीछे से स्टैंडिंग लाइन, मिडिल लाइन तक जाएंगे, और इसकी निकालेंगे टेल, बी, कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, सी बनाएंगे, और इसकी निकालेंगे टेल, सी, कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, सी बनाएंगे, डाउन टू अप स्टैंडिंग लाइन, वापस इसी लाइन पे नीचे आके इसकी निकालेंगे टेल, ए बी सी डी, कर्व बनाएंगे, पीछे से घुमा के सी बनाएंगे, और इसकी निकालेंगे टेल, ई, कर्व बनाएंगे, पीछे से स्टैंडिंग लाइन नीचे तक, ऊपर जाएंगे स्टैंडिंग लाइन को टच करके इसकी निकालेंगे टेल, एफ, कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, सी बनाएंगे, नीचे तक आके घुमा के आगे से निकालेंगे हम इसकी टेल, जी, कर्व बनाएंगे, पीछे से स्टैंडिंग लाइन, वापिस इसी लाइन पे ऊपर जाएंगे, और थर्ड लाइन को टच करते हुए इसकी निकालेंगे टेल, ई एफ जी एच। नेक्स्ट है आई, कर्व बनाएंगे,
इसी लाइन पे वापस नीचे लाते हुए इसकी निकालेंगे टेल आई, कर्व बनाएंगे, नीचे लाएंगे और आगे से घुमा के निकालेंगे टेल जे, कर्व बनाएंगे, पीछे से स्टैंडिंग लाइन, इसी लाइन पे ऊपर जाएंगे, हाफ कर्व बनाएंगे और घुमा के इसकी निकालेंगे टेल के, कर्व बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन पीछे से और इसकी निकाल देंगे टेल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नेक्स्ट है एम, पहले कर्व बनेंगे फिर हम जैसे स्मॉल लेटर में एम सीखा है हमने सेम वैसे बना के पीछे से निकाल देंगे इसकी टेल एम। एन के लिए सबसे पहले कर्व बनाएंगे स्मॉल लेटर के जैसा ही एन बनाएंगे और पीछे से निकाल देंगे इसकी टेल एन, कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, वापस इसी लाइन पे लाते हुए सर्किल बनाएंगे और इसकी निकाल देंगे टेल ओ, कर्व बनाएंगे, पीछे से घुमा के स्टैंडिंग लाइन, वापस इसी लाइन पे ऊपर जाएंगे, एच की तरह ही पी बनेगा, एच हमारा थ्री लाइन में कवर होता है और पी फोर लाइन में, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, नेक्स्ट है क्यू, कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, सी बनाएंगे, नीचे तक स्टैंडिंग लाइन लाके पीछे निकाल देंगे टेल क्यू, कर्व बनाएंगे, पीछे से घुमा के हम कर्व बनाएंगे जो सेकेंड लाइन को टच करेंगे, अगेन कर्व जिसकी टेल निकालते हुए ऊपर तक जाएंगे, आर, कर्व बनाएंगे, स्मॉल लेटर में एस लिखते हैं सेम वैसा स्मॉल सा एस लिखेंगे, इसी लाइन पे वापस निकलाते हुए इसकी निकाल देंगे टेल एस, कर्व बनाएंगे, इसी लाइन पे लाते हुए नीचे की तरफ इसकी निकाल देंगे हम टेल और मिडिल लाइन में स्लीपिंग लाइन पे लाइन टी, नेक्स्ट है आज आपने सीखा है यू, कर्व बनाएंगे, इसी लाइन पे लाते हुए सिंपल स्मॉल लेटर जैसा यू बनाना है और इसकी निकालनी है टेल यू, लास्ट है वी, कर्व बनाएंगे सिंपल वी बनाना है और उसकी निकालनी है टेल क्यू आर एस टी यू वी, ओके तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है ए टू वी, तो बेटा अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग करते वक्त कर्व बनाना है और लास्ट में टेल निकाल दिया है, तो अच्छे से वर्क करना एकदम नीट एंड क्लीन और मुझे सेंड करना, बाय।